वड़ा पाव मिसल पाव शनिवार वाडा, वेलकम टू द लैंड ऑफ मराठा पुणे। आज हम आए हैं एक ऐसे प्लेयर से मुलाकात करने जिन्होंने शुरुआत करी थी क्लासिक प्लेयर से। अपनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन और ग्राइंड से बने हैं प्लेयर इंडिया के सबसे टॉप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के गॉड। तो जोनाथन, गेमिंग के पहले वाला जोनाथन का ऐसा था कि उसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। मतलब जब भी वो स्कूल या किधर भी जाता था, उसको सिर्फ वो टाइम चाहिए था कि वो स्पोर्ट्स खेले, लाइक फुटबॉल वगैरह उसको बहुत पसंद था। जब भी मैं खेलने जाता था, मुझे लिया नहीं जाता था वो टाइम पे कि अरे यार ये तो अच्छा नहीं खेलता है, ये नहीं, छोटा है, ये इसको मत लो वगैरह। सो मुझे वो टाइम पे लिटरली बहुत हर्ट होता था, क्योंकि जो मुझे पसंद था मुझे अलाउ नहीं करते थे साथ में खेलने के लिए। सो लिटरली यार हर्ट होता था। बट अभी ऐसा सीन है कि अभी जो लोग मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे कि नहीं मत आ, वही लोग आके बोलते कि चलो साथ में खेलते जाओ, नहीं आ जाओ ब्रो। एंड मुझे शूटिंग गेम स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी, चाहे वो कौन सी भी गेम हो, शूटिंग इज जस्ट लव। सो वही टाइम से मेरे को शूटिंग पसंद था। एंड ये गेम का मैकेनिक्स और जो था मुझे लिटरली बहुत पसंद है। जब मैं पहली बार डाउनलोड किया उसे, तो मैं बोला कि जॉनी देख इसमें कुछ करना है अभी, तो मैं बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर डाउनलोड किया, खेले, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। फिर जैसे नॉर्मली दोस्तों के साथ, कजिन के साथ क्लासिक खेले वगैरह, फिर वो जो एनवायरनमेंट बन गया था, तो मुझे लिटरली वो बहुत पसंद लगने लगा। फिर बाद में एक ऐसे लगने लगा कि कस्टम रूम्स भी होते हैं, तो फिर मैंने मेरे कजिन्स के साथ वगैरह खेले। बट मेरे कजिन्स क्या बोलते थे पता है कि जॉनी देखो यू आर एलोन, आप अकेले हो एंड हम चार तो ही खेलेंगे, वरना नहीं खेलने वाले हम। तो बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही उनको बहुत मारता था, तो बोलते थे कि हम चार तू अकेला तो ही खेलेंगे, वरना बिल्कुल नहीं खेलने वाले। तो स्टार्टिंग में जब मैं जस्ट आया था वो फेज में, तो लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये तो क्लासिक प्लेयर है यार, ये क्या करेगा स्पोर्ट्स में, इसका बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। तो मुझे लिटरली यार वो चीज़ बहुत हर्ट भी करी थी। जब मैं वो टाइम पे आई गेस छोटा था, 16-17 साल का था मैं वो टाइम पे, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी थी कि लोग मुझे बोल रहे क्लासिक प्लेयर ये क्या करेगा। बट मैंने वो दिमाग में बिल्कुल नहीं रखा कि ये सब लोग बोलते हैं, बट मैंने जस्ट उनको साइड में किया एंड मेरा जो गोल है उस पर ही पूरा फोकस किया एंड जस्ट आगे बढ़ता गया। लोग ऐसा फेज आ गया था कि मैंने स्मोक में बहुत गंदा मार दिया था, टूर्नामेंट था कौन सा, तो एंड स्मोक बहुत सारे स्मोक थे उसमें, मैंने क्लच कर दिया था वो स्मोक के अंदर। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये बंदा लेजिट है, तो वहाँ से ही लोग बोलने लगे कि अरे ये तो हैकर है, इसको बैन कराओ। एंड लोगों ने फिर बाद में मुझे ऑफिशियल्स को भी बोला कि इस पर देखो, ध्यान रखना, इस पर कुछ तो है, हैक कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट ध्यान रखना इस पर। थोड़ा ये भी हो गया था कि अबे यार क्या बोल रहे यार लोग, हैकर वैकर बोल रहे हैं मेरे को। फिर बाद में मैं सोचा कि भाई मैं खुद ही सोचा कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ कि लोग मुझे हैकर बोल रहे हैं। तो वो टाइम पे जब क्वालिफिकेशन के लिए जब 2 पॉइंट से रह गया था मैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। मैंने बिकॉज मैंने मेरा 100% दिया था, बट बोलते हैं ना कि थोड़े के लिए रह जाते, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को वो टाइम पे क्या करूँ क्या नहीं। तो ये बंदा आया मेरे पास और बोलता कि जॉनी मैंने परफॉर्मेंस वगैरह सब देखा एंड मुझे लिटरली बहुत पसंद आया, तो क्या अपन साथ में ट्राई कर सकते हैं क्या। तो मैं बोला कोई नया घातक, बिकॉज मुझे पता था ये बंदा क्या है और क्या नहीं, हम साथ में रैंकिंग पुश करें, साथ में रहे हम, तो मुझे पता था कि चलो ये बोल रहा है कुछ अच्छे के लिए बोल रहा है, तो साथ में क्यों ना ट्राई दिया जाए। फिर साथ में खेले हम वगैरह, तो जो बोलते हैं ना सिनर्जी वगैरह, तो सिनर्जी का बिल्कुल भी इशू नहीं था, क्योंकि हम साथ में ऑलरेडी कब से खेल रहे हैं। रैंक पुश आपको पता ही होगा कि दिन रात होती है, तो वो टाइम से ही हम साथ में खेल रहे थे। फिर बाद में हमने ट्राई किया, नॉर्मल मैचेस खेले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो। लिटरली जो रोल चाहिए था उसे, वो रोल मैं 100% दे रहा था। बिकॉज आप आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं मेरा रोल क्या है, तो मेरा रोल एक फ्री मैन है, मतलब जो दिखे ख़त्म करना। तो
तो ऐसा है कि ऑब्वियसली यार हर एक टीम में इनिशियल मतलब जो होता है वो फाइट वो सब में ही होता है, बट हम लोग में ऐसा है कि हम जब करते हैं मतलब जब भी कुछ डिस्कस करते हैं उसे अग्रेसिव वे में बिल्कुल नहीं करते, उसे मतलब बोलते हैं ना भाई भाईचारे में जो भाई लोग भाई बहन लोग जब आपस में मिलजुल के ही समझाते कि देख आपने ये मिस्टेक किया मैंने ये मिस्टेक किया, एक साथ मिल के आराम से डिस्कस करके उसे आराम से शांत वे से ये कर देते, एंड उस पर हम ट्राई करते कि जो मिस्टेक किए हमने वापस से वो सेम मिस्टेक वापस से ना दोहराए। तो ऐसा था कि बैटल रॉयल के वर्ल्ड स्टेज के लीग चल रहे थे वो टाइम पे, तो ऐसा था कि हम लोग लिटरली बहुत जल्द रहे थे, मतलब स्टार्ट होते ही पहले फाइट जा रहे थे, एंड प्लस साइड बाय साइड लोग इतना ये कर रहे कि अबे ये लोग खेलेंगे वर्ल्ड, ये लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो स्टेज पे मैं लिटरली इतना ब्रेक डाउन हो गया था ना, मैं लिटरली कुछ बोल नहीं सकता वो टाइम पे। मैं जब भी मैं सोता भी था लिटरली यार रोता था मैं लिटरली यार, लोग इतना सारा कुछ बोलते थे वो टाइम पे। मैं पकड़ के चलो 16 या 17 ईयर्स का था और वो ऑब्वियसली यार छोटा ही था वो टाइम पे, मुझे कुछ पता नहीं था, लोग मैं ऐसा सोचता था कि जो लोग बोलते हैं सच बोल रहे हैं ये वो। फिर बाद में इतना मुझे हर्ट हुआ ना वो चीज़, बट मैं कभी दिखाता नहीं वो चीज़ें, तो वो हर दिन मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, बट ऐसा कभी ऐसा लगता है कि अभी तक वो चीज़ हट रही नहीं है, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ और मैं अकेले मतलब बाहर कभी वॉक पे चले जाता हूँ कभी ऐसे ही घूमने, तो वापस से ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे एंड वो सेट भी हो जाए। तो ऐसा है कि एक ईस्पोर्ट्स एथलीट का पूरा शेड्यूल बहुत मतलब लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बट सच बोलूँ ना लिटरली फट जाती है, क्योंकि सुबह उठना ठीक है ट्रेनिंग करना सेल्फ ग्राइंड करना इंडिविजुअल ग्राइंड करना फिर साथ में टीम ग्राइंड करना फिर ये सब लिटरली बहुत थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, बट साइड बाय साइड यार करना ही पड़ता है, पैशन है तो ऑब्वियसली करेगी। तो ऐसा है कि गोल मैंने ऑलरेडी एक सेट करके रखा हो तो उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट देता हूँ, जो भी चाहे बीच में आए उसको साइड करता हूँ, मेन फोकस ग्राइंड और गोल, यही मेरा मेन फोकस है अभी फिलहाल। तो कभी सोचा नहीं था कि ये मैं करियर बनाने वाला हूँ, मैंने सिंपल सोचा था कि ये गेम में बेस्ट देना है और टॉप लेवल पे टॉप पे रहना है मुझे, तो वही सोच के मैं आगे बढ़ता गया और आज ये मेरा करियर बन चुका है। आज जो है ये करियर बोल सकता हूँ मेरे पेरेंट्स के वजह से एंड मेरे खुद के ग्राइंड के वजह से। एंड रही बात आज के दुनिया में अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स में आपको करियर बनाना है आपका, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ हो चुका है कंपटीशन, क्योंकि कितने सारे ई-स्पोर्ट्स एथलीट ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अपना बेस्ट देके सेम एज करियर बनाए, तो बोल सकते कि आज के दुनिया में ये थोड़ा सा टफ हो चुका है। एंड रही बात अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाए कि ई-स्पोर्ट्स क्या होता है ये, ताकि उनको भी समझ पाए कि ई-स्पोर्ट्स ओके ये है। तो सिंपल चीज़ है, जितने भी टॉप लेवल के प्लेयर्स है स्ट्रीमर्स है उनके स्ट्रीम्स दिखाओ, बताओ उनको देखो आज जो है वो लोग देखो ऐसा है करियर बन चुका है उनका, ताकि उनको भी समझ आए ई-स्पोर्ट्स ओके है ऐसा। तो आज के वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को एडुकेट करें ई-स्पोर्ट्स क्या है, ताकि उन्हें भी समझे कि ओके इसमें कर सकते कुछ, ताकि अपने बेटे को कुछ फ्री खेलने दो जो भी है। तो यही तो मेरा ऐसा है कि मैं मैचेस के पहले कुछ मतलब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ कुछ नहीं करता हूँ ट्रेनिंग वगैरह जो भी रहता हो फ्री माइंड रखता हो जो मतलब लिटरली फ्री एकदम कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ गेम सामने खेलना है डोमिनेट करना है और ख़त्म करना है यही है मेरा। एंड रही बात इंडिविजुअल प्रैक्टिस मैं मैचेस के बाद ही मैं खुद देखता हूँ कि मैंने आज क्या मिस्टेक किया हो क्या नहीं किया हो, तो वही दिमाग में रख के मैं ट्राई करता हूँ कि अगले दिन वो सेम मिस्टेक ना वापस कर। यार जो स्टार्टिंग से ड्रीम देखा था मैंने कि बेस्ट बनने का, आज वो फाइनली बोल सकता हूँ कि बेस्ट हूँ और रहूँगा बेस्ट। एंड बोल नहीं सकते कि आप मुझे एरोगेंस बोलेंगे, बट ये मेरे लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप है। एंड रही बात आई एम योर फॉर द क्राउन एंड यू नो हु द किंग इज़।
ऐसी कहानियां आपको हर बार सुनने को नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं ये कहानियां एग्जिस्ट नहीं करती। इन सारी कहानियों को आप खुद जी सकते हो। जिस तरीके से जोनाथन अपने डेडिकेशन हार्ड वर्क के बदौलत ऊपर पहुंचे हैं, आप भी उनके जगह पहुंच सकते हो। आपको चाहिए होगा वो सारी चीजें जो जोनाथन ने यहाँ पे करके दिखाया। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ग्राइंड और एक बहुत ही बढ़िया पार्टनर, IQ 7 लेजेंड।